Today we start a relation class 11 and class 12. In this video we discussed about what is the domain and what is the range of relation and what is the codomain of the relation. So first we define the domain and range of the relations. Let R be a relation. Let R be a relation from A to B, from A to B, and R, relation R, and relation R is expressed, and relation R is expressed in ordered pair, A comma B, in set of ordered pair, first element of ordered pair is domain. And second element of ordered pair, is range of relation. That is the definition of the domain and range. Let R be a relation from A to B, and relation R is expressed in ordered pair A comma B. So where in the set of ordered pair, first element of ordered pair is domain and second element of ordered pair is range of the relation. तो अपन एक सेट लेते हैं A, 1, 2, 3, एंड एक सेट अपने लिया है सेट B, 2, 4, 6, 8, 10. नाउ एंड रिलेशन R, relation R is defined as A relate B implies 2A is equal to B. मतलब अपना जो relation का ordered pair बनेगा वो इस condition के according बनेगा, 2A is equal to B के according. So now we find the relation R, ordered pair. So first we take the element A from set A, and the value of B we getting from set B. So देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2A, मैं सबसे पहले element 1 लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर रखूँगा 2 into 1 is equal to 2. अगर मैं A का value 1 put करता हूँ, तो मुझे B की value क्या मिलती है? 2. So when A is 1, then we get B is 2. Second, we take element A is 2 from set A, then we get 4 from set B. So अगर मैं A की value 2 put करता हूँ, तो मुझे B की value कितनी मिलती है? 4. So we take 2 from set A, then we get 4 from set B. So A का value 2, तो B का value क्या हो गया? 4. Now we get 3 from set A, then we get 2 into 3. Then we get 6 is equal to B from set B. If we increase the value of set A, 4, 5, 6. If we take value 4 from set B, set A, then 2 into 4 is equal to 8 is equal to B. So, agar main 4 leta hu, to mujhe yahan par kya milta hai?
एंड अगर अगर 5 लेते हैं अपन तो मुझे क्या मिलेगा, देन वी टेक वैल्यू 5 फ्रॉम सेट ए, देन वी गेट 10 फ्रॉम सेट बी, तो 5 रखने पर मुझे क्या मिल रहा है 10. इफ वी टेक वैल्यू ऑफ 6, 2 × 6, देन वी गेट 12, इज नॉट द वैल्यू ऑफ सेट बी, सो 12 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो ये पॉसिबल नहीं है. देन अपने ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, केवल ये बनेंगे 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. अब दैट इज द रिलेशन ऑफ सेट ए एंड सेट बी. तो अपन को यहाँ पे समझ में आता है कि जो आर है अपना, आर इज सबसेट ऑफ क्या हो गया अपना ए क्रॉस बी, बिकॉज ए क्रॉस बी के बहुत सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल है. देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5. दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू टोटल 30 अपने पास है. एन ऑफ ए क्रॉस बी टोटल कितना होगा अपने पास 30, बिकॉज 6 × 5 30 होता है. सो बट हमने ऑर्डर पेयर केवल कितने लिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, बिकॉज अपना रिलेशन क्या था 2a इज इक्वल टू बी. तो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद अपने पास ऑर्डर पेयर कितने आ रहे, ओनली 5. अब हमें बताना है डोमेन. डोमेन इज वॉट, डोमेन इज द इन सेट ऑफ ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज डोमेन. मतलब जो भी ऑर्डर पेयर आपने बनाया उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज द डोमेन. सो इसके एलिमेंट क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5. एंड रेंज, व्हाट इज रेंज, रेंज इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज द रेंज. तो सेकंड एलिमेंट क्या आपके पास 2, 4, 6, 8 एंड 10, दैट इज द रेंज ऑफ रिलेशन 2, 4, 6, 8 एंड 10, दैट इज अ रेंज ऑफ द रिलेशन ऑफ और ए क्रॉस बी. तो ये अपना होता है डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी. एक और एग्जांपल लेके अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द रिलेशन इन दिस क्वेश्चन. नाउ अगेन वी टेक अ न्यू एग्जांपल. नाउ फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन. सो फर्स्ट वी टेक एंड रिलेशन आर is defined. So we find the relation and after that we find the domain and range of the relation. So first अपन क्या करते हैं, हमें यहाँ पे दिया हुआ है relation R is defined from A to B. A relate to B implies A is equal to B square. So हमें पहले क्या बनाना है, ordered pair बनाना है. तो कि ordered pair कैसे बनेंगे, जैसे मैंने बोला यहाँ पर relation में define हो रहा है A is equal to B square. मीन्स जब बी की वैल्यू अपन रखेंगे -2, तो ए मुझे कितना मिलेगा, -2² = 4. मतलब बी अपना -2, तो ए कितना मिला आप लोगों को 4. व्हेन बी इज इक्वल टू 0, 0² = 0, जो कि ए के अंदर पॉसिबल नहीं, इसलिए इसको अपन ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में नहीं ले सकते. व्हेन बी इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, ये अपना ऑर्डर पेयर 1 मिल जाएगा हमें, ये वाला पॉसिबल होगा. नाउ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर में हमें रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 हमें सेट ए में मिल रहा है, सो इसका ऑर्डर पेयर पॉसिबल हो सकता है. नाउ व्हेन ए इज बी इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, सो 9 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो ये पॉसिबल है, लेकिन 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए. ठीक है, एंड वेन ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5, दैट इज द 25, बट 25 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं है. तो हमारे पास क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बन गए, देखिए रिलेशन आर के जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो बनेंगे, वेन बी इज इक्वल टू -2 रखा तो ए कितना मिला था आपको 4, तो ये बनेगा पहला ऑर्डर्ड पेयर 4 एंड -2. सेकेंड 1 पे क्या मिला था आपको 1, तो 1, 1. थर्ड 2 पे क्या मिला था 4, तो 4, 2. एंड बी रखा था 3, तो ए कितना मिला था 9, 9, 3. बस ये अपने क्या हो गए, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. वैसे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने पॉसिबल है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ए में 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी में 6 एलिमेंट है, टोटल आएंगे 30 ऑर्डर पेयर, बट हमें केवल
फाइव ऑर्डर पेयर मिले हैं क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे रखी थी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वही ऑर्डर पेयर हमें लेना है। अब हमें फाइंड करना है डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर मीन्स आर का डोमेन क्या होगा, डोमेन मैंने बताया आपको, डोमेन इज द ऑर्डर पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट। तो जो अपने सेट बनाया उसका फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो क्या कहलाएगा, अपना ऑर्डर पेयर। देखिए क्या क्या आ रहा है, 4, 1 and 9। या इसको अपन थोड़ा सा अरेंज भी करें तो इस प्रकार लिख सकते हैं 1, 4, 1, 4, 9, इट इज द ऑर्डर पेयर। इसमें अपन को 4 टू टाइम नहीं लेना है, एक ही बार लेना है। सो डोमेन ऑफ आर कितना हो गया 1, 4, 9 एंड रेंज ऑफ आर कितना हो जाएगा, रेंज हो रहा है सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट ऑर्डर्ड पेयर, तो -2, 1, 2 and 3। सो -2, 1, 2 and 3 दैट इज द रेंज ऑफ और रिलेशन आर। तो फ्रेंड्स ये था अपना डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो प्लीज वॉच एंड शेयर माई वीडियोज ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।